सोलन में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ता सोलन के चिल्ड्रन पार्क में एकत्रित हुए और वहां स्थापित पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा पर हाथ चढ़ाए और पुष्पांजलि भी उन्हें अर्पित की। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कांग्रेस अध्यक्ष शिव कुमार ने की। सोलन में कांग्रेस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ता सोलन के चिल्ड्रन पार्क पर एकत्रित हुए और वहां स्थापित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा पर हार चढ़ाए और पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम की अध्यक्षता कांग्रेस जिला अध्यक्ष शिव कुमार ने की। कार्यकर्ताओं ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यों को याद किया और सभी ने उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। जिला अध्यक्ष शिव कुमार ने बताया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के विकास की इबारत लिखी है और जहां पहले सुई नहीं बनती थी, उन्हीं के कार्यकाल में सुई से लेकर जहाज तक बनने आरंभ हुए। उन्होंने कहा कि देश के विकास में चाचा नेहरू का अहम योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि अगर वे और उनकी टीम ना होती तो शायद हम आजादी की सांस भी नहीं ले सकते थे। उन्होंने अपना जीवन देश को समर्पित किया, यही वजह है कि आज भी सभी कार्यकर्ता उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं। श्री जवाहरलाल नेहरू, जिनका इस देश को आजाद कराने में महान योगदान था, शायद आज आजादी की सांस हम ना ले रहे होते अगर चाचा जवाहरलाल नेहरू जी और उनकी टीम ना होती। आज इस राष्ट्र में जो विकास के काम आज जो एक सुई से और हवाई जहाज तक जो बन रहे हैं, पहले सुई भी नहीं बनती थी, उनके कार्यकाल में हवाई जहाज तक बनने शुरू हुए। उनके कार्यकाल में जो विकास हुआ आज उसको भी याद किया जा रहा है और उनकी जो इस देश के लिए उनके जो कार्य थे, इस देश के लिए उन्होंने जो महान कार्य किए उसको उनको भी याद किया जा रहा है और उनके प्रति आज सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि सभी देशवासी, कांग्रेसजन और तमाम देशवासी मिलकर उनके किए कार्यों को याद करें और इस देश की तरक्की में, इस देश के विकास में साथ रहें, इकट्ठे चलें, इकट्ठे मिलकर चलें। कार्यक्रम में एक बार फिर से वक्त हो गया है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।